दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जेएनयू की पूर्व छात्रा और कश्मीरी नेता सहला रशीद को आंशिक राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगर वह सहला रशीद को गिरफ्तार करना चाहती है तो उसे 10 दिन पहले उनके खिलाफ गिरफ्तारी नोटिस जारी करना होगा। सहला रशीद पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इंडियन आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की। कोर्ट ने आदेश रशीद की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया। पटियाला हाउस कोर्ट के जज सतीश अरोड़ा ने सहला रशीद को राहत देते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि अगर उन्हें लगे कि सहला रशीद की गिरफ्तारी जरूरी है तो उसे 10 दिनों की अग्रिम नोटिस देनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि आरोपों की प्रकृति पर ध्यान देते हुए और जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट के मुताबिक यह पाया गया है कि जांच प्राथमिक स्तर पर है, इसलिए अभी सहला रशीद को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को उनके खिलाफ गिरफ्तारी नोटिस जारी करना होगा। पिछले 10 सितंबर को कोर्ट ने सहला रशीद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया था। कोर्ट ने सहला रशीद को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया था। वकील आलोक अलक श्रीवास्तव की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सहला रशीद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, 153A, 153, 504 और धारा 505 के तहत FIR दर्ज किया है। FIR दर्ज होने के बाद सहला रशीद ने पटियाला हाउस कोर्ट में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सहला रशीद की ओर से वकील अकरम खान और शरीक इकबाल ने कोर्ट से कहा था कि 17 अगस्त को सहला रशीद के ट्वीट को आधार बनाते हुए FIR दर्ज किया गया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अभी दिल्ली पुलिस ने सहला रशीद को कोई नोटिस जारी नहीं किया है। सहला रशीद की ओर से कहा गया कि वो जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस संबंध में सेना की ओर से अभी कोई शिकायत नहीं मिली है और उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच के लिए उसे समय चाहिए और इसकी जांच में 6 हफ्ते का समय लगेगा। उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की विस्तृत जांच की जरूरत है। कोर्ट ने सहला रशीद को जांच में सहयोग करने और जांच अधिकारी के बुलाने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।